भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यालय में बैठक की तथा केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। मुख्य वक्ता गंगोली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला ने कहा कि भाजपा ने अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं, जिनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को मकान, हर घर में शौचालय तथा प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त राशन जैसी कई योजनाएं हैं, जिनका सीधा लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा आर्य आदि ने केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल को उपलब्धिपूर्ण करार दिया। साथ ही आज हमारे मुख्य वक्ता उनका भी धन्यवाद अर्पित करूंगा, जिलाध्यक्ष जी का। आज हमारे जी प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण है, यह हमारे पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ताएँ चल रही हैं। मेन रूप से हमारी अनुसूचित समाज के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हमारे समाज को क्या क्या लाभ मिले हैं सरकार में, ये हम पब्लिक के संज्ञान में डाल रहे हैं। और जैसे कि इससे पहले पूर्व में आपके माध्यम से भी मैंने अभी सुना कि अनुसूचित समाज ज़्यादातर कांग्रेस के साथ रहता है, ऐसा इससे पहले हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, अब इस समाज का पूरा रुख बीजेपी के साथ है। क्यों है? क्योंकि अनुसूचित समाज को इससे पहले ना उनके पास बाथरूम हुआ करते थे, ना उनके पास घर हुआ करते थे। हमारी सरकार ने उनको हर घर में टॉयलेट देने का काम किया है, हर घर में जिसके वहाँ मकान है मकान देने का काम किया है। आज की डेट में सबको अनाज फ्री मिल रहा है और हर घर में हमारे सरकार द्वारा सोलर लाइटें लगाई गई हैं गांव-गांव में, और कूड़े स्थान के लिए उनको हमने डस्टबिन बांटे हुए हैं और रास्ते हर ग्राम सभा के बन चुके हैं। इससे पहले ये कांग्रेस की सरकार नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे सरकार में सब कुछ घर घर तक पहुँच रहा है। मोदी जी की सरकार में हर घर को राशन फ्री मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक काम अनुसूचित जाति पिछड़ा जाति इनके उत्थान के लिए किए हैं, आज अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित समझता है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में पूरा योगदान करें। देखिए, इससे पहले होता था, होता होगा, लेकिन आज जो कार्य धरातल पे अनुसूचित समाज के उत्थान के लिए किए गए हैं, और मुझे नहीं लगता, मैं तो पूर्व में विधायक भी रह चुकी हूँ और मैं हर अनुसूचित समाज के बीच में जाया करती थी, और उनका आज जो मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित समाज पिछड़ा समाज के लिए करती है वो कोई पार्टी ने नहीं किया। देखिए, हुए होंगे, लेकिन आज के डेट में हर किसी के लिए जो लागू है, मुझे नहीं लगता कि अनुसूचित समाज के लिए कोई अनदेखी करता होगा। आज हमेशा अनुसूचित जाति के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कहीं पर कोई घटना होने पर। ये छात्र छात्राओं को वजीफा नहीं मिल पा रहा, खासकर डिग्री वाले जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्रा हैं, प्रदेश सरकार ने वजीफा उनका रिलीज नहीं किया। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं पूर्व में भी हमारे यहीं के अभी जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है चंदन रामदास जी ही हमारे मंत्री विधायक थे, और क्या रहा, और ऐसा नहीं है, वो तो मिलता है, थोड़ा देर हो गई होगी कारण बस, और मैं पूरा संज्ञान में लूँगी, सीएम साहब के संज्ञान में डालूंगी, और जल्दी ही जब भी विधानसभा सत्र चलेगा उसमें ये बजट पास हो जाएगा। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।